को तो लग रहा है घर घुस के जान मार दे। होता अगर व्यवस्था होता जैसन कर रहा है वैसन उसका। नमस्कार, न्यूज लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुंजन सिंह के बारे में, जो कि एक अभिनेता है, शानदार गायक है और काफी चर्चित भी है। और मुझे उनमें सबसे खास बात ये लगती है कि वो भोजपुरी के साथ साथ मगही भाषा को काफी तवज्जो दिए और अपने लगातार गायन से इसका प्रचार प्रसार भी किए और इसको मजबूत बनाने में इसका एक अहम साथी बने। लेकिन आजकल वो विवादों में घिरे हुए हैं, जब उनके एक अश्लील गाने पे किसी मगही जवान नाम के एक YouTube चैनल ने उनपे एक विरोध करा तो वो बमक गए और जनाब सीधे गालियों पे और धमकी पे उतर गए। हालांकि आपको पता है कि न्यूज लाइव ना ही समर्थन करता है मगही जवान के भाषा को और ना ही समर्थन करता है गुंजन सिंह के गंदे बोल को, और आप ये भी जानते हैं कि हम एक न्यूट्रल चैनल है तो हम अपनी बातों को सीधे सीधे निष्पक्ष तरीके से रखते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि गुंजन सिंह के मुंह से अनाप शनाप ना निकले। ऐसा बहुत सारे ऐसे मौके भी हुए हैं जहां गुंजन सिंह अपने गाली से भरे मुंह को खोले हैं। आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। बात बोल रहा है उसको तो लग रहा है घर घुस के जान मार दे। होता अगर व्यवस्था होता जैसन कर रहा है वैसन उसका। अब तो तुम लोग है ये हो सब देखिए रहे हो ना, जो आप तो लाइव में आकर नहीं बोले थे कि यार भाई तुम लोग समझा दो, तो वो फिर दोबारा लाइव आया था और बोला था कि गुंजन सिंह जी मतलब कि गुंडा पाल रखे हैं उसी को कहते हैं। अरे पगला, दोनों का दिन सही में पुर गया भैया, उसको तो अब मरना है चाहे भागेगा गाँव से, वहाँ पर गाँव छोड़ के अपना। वो अरे गया में है ही नहीं, वो हैदराबाद भैया अलग है। हाँ जी, उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होता है। अब उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें उनकी संगीत से भरी धमकी की आवाज आ रही है। हालांकि न्यूज लाइट इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गुंजन सिंह एक सेलिब्रिटी है, पब्लिक फेस है, काफी बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग भी है, तो उन्हें भाषा की तो मर्यादा रखनी ही चाहिए। गाने से तो अश्लीलता रुक नहीं रही है, कम से कम भाषा से तो संयमित होनी तो चाहिए उन्हें। वो अपने फैंस के सामने किस तरह का मैसेज रखते हैं वो उन पे निर्भर करता है, क्योंकि उनके फैंस उनको फॉलो करते हैं तो वो किस तरह का मैसेज उनके सामने रखना चाह रहे हैं ये उन पे निर्भर करता है। खैर, हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अश्लील मुक्त भोजपुरी के पहल में शामिल होंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।